सब तो ठीक है। ये वाली बाइक चेक करो भाई, बुलेट के ऊपर हैंडल देखो कैसी बना रखा है भाई, क्या सही लग रही है भाई। कोई भी राइड शुरू होने से पहले भाई कोई ऐसा हो ना सकता कि कभी हमें बीटी ना मिले भाई। थोड़ा सा ना कलेश मच गया यहाँ पे, अंकल लोग थोड़े से गुस्सा हो गए हैं। अब अंकल लोग आ गए थोड़ा बौखला से, कहते कि जगह पड़ते हैं यहाँ पे पीछे, तो उसे चक्कर में थोड़ा सा अंकल लोग के साथ थोड़ा बीटी हो गया। वो पुलिस कंप्लेंट करने को हो रहे थे पैक बाइक ऊपर स्लिप टायर के साथ। हाँ एग्रोपोविच का उसमें एग्जॉस्ट है, सीट भी चेक कर लो तुम लोग, पूरी ट्रैक बाइक है। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप सब बढ़िया हो गया और हमेशा बढ़िया रहना। तो गाइज आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। हाँ भाई सही में 5:30 बज रहे हैं, ये चेक कर लो अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और भाई हम लोग उठ चुके हैं अपने संडे राइड पे जाने के लिए। नॉर्मल संडे राइड नहीं है, हम जा रहे हैं एक इवेंट पे, हम जा रहे हैं मोटुल के इवेंट पे जो होने वाला है नोएडा। तो अभी हम लोग लेट हो चुके हैं भाई, 5:30 बजे मेरे को फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर पहुँचना था, है तो मेरी सोसाइटी के आसपास ही, बट फिर भी लेट हो गए हैं। अभी 5:32 हो रहा है, फटाफट तैयार हो चुके हैं, गोप्रो हमने माउंट कर दिया है, सामान लेते हैं, जैकेट वैकेट डालते हैं और निकलते हैं सीधा नीचे भाई। लेट हो चुका है, बाइक को कोल्ड स्टार्ट भी करना है। और भाई ये चेक कर लो, बाहर हो रहा है भाई बिल्कुल ही अंधेरा, और अभी आ चुकी है भाई दिल्ली में मस्त ठंडिया ठंडिया मौसम, और बाहर ना फॉग हो रहा है। अभी कैमरे में तुम्हें दिख नहीं रहा होगा बट मस्त फॉग हो रखा है भाई। और हम लोग अभी तो मैं मतलब क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को भाई, ठंडा मौसम हो रहा है एक्चुअली। मैं सोच रहा था लाइनर्स ले लूँ बट फिर आते हुए लेट हो जाएगा तो भाई दोपहर थोड़ी गर्मी हो जाएगी, तो लाइनर्स का फ़ायदा नहीं है, मैं बैग लेके जा नहीं रहा हूँ। तो अभी फटाफट निकलते हैं, अभी बाहर देख लो अंधेरा हो रखा है, सीधा जल्दी से जूते वूते पहनते हैं, जैकेट डालते हैं और फटाफट निकलते हैं भाई नीचे, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर पहुँचते हैं। बाइक को हमने लगा दिया है कोल्ड स्टार्ट पे, यहाँ हमारी बाइक कोल्ड स्टार्ट हो रही है। और ये चेक कर लो भाई, बढ़िया साफ सुथरी करके रखी हुई है भाई, आज मस्त एकदम धुलवा ली थी। अभी फटाफट से ग्लव्स डालते हैं, हेलमेट डालते हैं, एक बार ये एंगल चेक करते हैं, जैकेट बंद करते हैं और निकलते हैं फटाफट से फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। लेट वैसे हो चुके भाई, सो आई विल मीट यू ऑन द मोटो व्लॉग, लेट्स गो। गाइस निकल चुके हैं हम लोग अपने सोसाइटी से, जा रहे हैं अपन फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे, आगे ही है जस्ट मेरी पीछे वाली सोसाइटी है, वहीं पर ही मीटअप करना है अपने को, फिर वहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे। तो अभी देखते हैं, मैंने ग्लव्स व्लव्स भी नहीं डाले, ग्लव्स यहीं रखे मैं, आगे जाके मैं पूरा एक बार सबसे मिलूंगा, फिर उसके बाद ग्लव्स व्लव्स डालूंगा भाई बढ़िया से। अभी फ़िलहाल तो भाई ठंडा हो रहा है, हाथों में ठंडा ठंडा लग रहा है, मौसम मस्त ठंडा हो चुका है और भाई पॉल्यूशन मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि सीन ऐसा है ना, एक तो धुंध धुंध इतना हो रहा है, सबको लग रहा है फॉग है बट फॉग नहीं है भाई, अच्छा खासा धुंधला हो रखा है। और मेरा यार एंड मैंने एंटी फॉग भी नहीं लगा रखा है इसमें, तो सीन ही गलत हो रहा है। फिलहाल मैं पहुंच गया हूं पहली वाली मीटिंग पॉइंट पे, यहां पे मैं बाइक खड़ी करता हूं, कॉल करता हूं सबको, फिर मिलाता हूं तुम लोगों को सबसे। वो रहे राइडर्स अपने, एक भाई वो रहा, एक भाई वो रहा, अभी फटाफट यहाँ से निकलेंगे, मेरी रेड लाइट ग्रीन है, बड़ी फिर मैं पकड़ता हूँ उनको। अभी राइड शुरू होने से पहले भाई कोई ऐसा हो ना सकता कि कभी हमें बीटी ना मिले, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मस्त रेड लाइट पे वेट कर रहा हूँ मैं, मेरे को लगा ये लोग आगे निकल गए बट ये लोग पीछे ही थे, कॉल आया अभी मेरे को, तो मैं अब रुका हुआ हूँ, अब वेट कर रहा हूँ, देखते कितनी देर मेरे आते हैं ये लोग। भाई लेट हो रहा बहुत बुरी तरह, 7 बज चुके हैं यार, पता नहीं कब पहुँचेंगे और मुझे नहीं पता कितनी आवाज़ आ रही है, तो बेयर कर लो भाई, मिलता हूँ सीधा इन लोगों को, सीधा मोटर ब्लॉक पर मिलता हूँ। कैसे कैसे मिल लिए हैं लोग और वो चल रहे हैं आगे। भाई ये देखो सुबह के 6 बज रहे हैं और हालत देख लो भाई, इतना जाम सुबह 6 बजे क्या हो रहा है। फटाफट इनको पकड़ते हैं यार, साथ साथ में चलते हैं थोड़ा, एक तो ना मेरा वाइज़र बार बार ही ना हल्का हल्का फॉगी हो रहा है और उस चक्कर में मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई ठंड के लिए तो मेरे को एंटी फॉग एक बार ही लेना पड़ेगा इसके लिए, मेरा पता नहीं कहाँ गया वो। ओके भगाते हैं भाई अब इसको, अपने को ना एक्चुअली लेट हो रहा है यार, 7:10 पहुँचना था और लेट हो चुका है भाई हम लोग, अभी यहाँ पर ही 7:05 हो रहा है, तो क्या ही बोले। और भाई ये चक्कर यार,
ये चेक करो भाई, हिमालयन क्या लग रही है, हिमालयन क्या लग रही है भाई, क्या लग रही है भाई, एक नंबर भाई, एक नंबर। चल अभी तो और बाइक्स मिलनी है भाई, अभी और बाइक्स मिलनी है। जहाँ पे हमारा पहला फ्लैग ऑफ है वहाँ से और भी कुछ बाइक जा रही है, और ये देख लो भाई, एक वी स्टॉर्म जा रही है साथ में अलग से, एक डोमिनार और जा रही है, और हमारा डोमिनार वाला भाई ये रहा। मैंने एक्चुअली बहुत दिन बाद यार इसकी हाई बीम चला रखी है बाइक की, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता, ऐसा हालत हो रखा है। एंड आई होप कि हवा ना आ रही हो आप लोगों को ज़्यादा यार, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वाइजर खोल रखा है अपने हेलमेट का। ओके, हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, देख लो यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं भाई लोग सुबह सुबह, और एक नहीं दिखा मेरे को, बहुत दिख गए हैं ऐसे। तो यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, साइकिल चला रहे लोग भाई। यार डोमिनार अच्छी लग रही है, पता है इस भाई पे अच्छी लग रही है एक्चुअली, आई थिंक सो थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड है ना, बट इसकी बाइक अच्छी, इस पर बाइक बहुत सही लग रही है डोमिनार, इस पर नेकेड वाली ये और जीनोसो भी बहुत अच्छी लगी है, अगर बाइक अभी अपग्रेड करेगा तो। यार ग्लव्स आ गए हाथ में, ग्लव्स, ठंडी बढ़ गई है थोड़ी सी, दिल्ली में टेम्परेचर अब थोड़ा सा ड्रॉप होने लग गया है, 15-16 ऐसा चला जाता है रात में, तो थोड़ा सा रिस्क ना लेते हुए, और थोड़ी लंबी राइड थी तो मैंने सोचा कि ग्लव्स भी डाल लेते हैं। ये ग्लव्स एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं यार, ये ना ग्रिप बहुत अच्छी देते हैं ये वाले ग्लव्स, तो सही है। बाकी भाई अभी मस्त बस अपन पहुँचने वाले हैं, वसंत विहार के पास पहुँच गए हैं। अब हमारा फर्स्ट जो मीटिंग पॉइंट है वो है मालवे नगर, तो मालवे नगर फटाफट पहुँचते हैं और आपको मिलाता हूँ भाई और भी बाइक से। अब आई होप कि वहाँ पे लेट ना हो गया हो, कहीं हम लोगों को फिर तीनों को अकेले को जाना पड़ रहा है भाई, ये भी सीन है, क्या ही बोले। ओके सो गाइस, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं लोकेशन, भाई का आगे का माउंट टूटा हुआ है भाई, निकले तो नहीं है ना यार वो लोग, यार बस आई के है। मैं कह रहा हूँ निकल तो नहीं गए वो लोग, कहीं कट गया हमारा, आ रहे होंगे सारे अभी आई थिंक सो, देख ले कहाँ पर है लोकेशन, देख कहाँ पर है, चलते हैं फिर फटाफट से। यहाँ से आई थिंक सो 2 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी भाई को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि भाई लीड कर रहा है आगे, डोमिनार वाला भाई अपने पीछे आ रहा है। भाई मेरा ना पूरा फॉग हो चुका है यार, बीच बीच में मेरे को वाइजर खोलना पड़ रहा है, सुनो। तो भाई कई सालों बाद में आ रहा हूँ मालवीय नगर, भाई साहब घर देखो यहाँ के यार, चेक करो। अभी हमारा जो पहला मीटअप पॉइंट है वो यहीं पर ही आगे कहीं है, तो भाई को करते हैं फॉलो, अभी इंडिकेटर तो बहुत देर से दे रहा है, तो अभी देखते हैं आगे करते हैं भाई को फॉलो। अब मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा दिन का टाइम हो जाए, रात में ना बाइक चलाना थोड़ा सा बेकार ही रहता भाई सीन, तो भी हाँ। तो फटाफट पहुँचते हैं मीटअप पॉइंट पर अपने, फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को क्या सीन है भाई वहाँ पे। हम पहुँचे हैं पहले या फिर हमसे पहले भी लोग पहुँच गए, क्योंकि ग्रुप पर भी बात हो रही थी कि लोग पहुँच रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या सीन है, मिलता हूँ तुम लोगों को सीधा मीटअप पॉइंट पर। ओके सो ये रहा मीटअप पॉइंट भाई, ये रहा मीटअप पॉइंट, यहीं पर ही है, बाइक्स खड़ी हुई यहाँ पे भाई, अच्छी खासी मस्त राइडर्स वेट, सही है, सॉर्टेड है यहाँ पर, बढ़िया। मैं बाइक लगा लेता हूँ यहाँ पे, फटाफट मिलता है सबसे, फिर चलते हैं आगे। हमारा पहला मीटअप पॉइंट मालवीय नगर में, ये सारे राइडर्स आ रहे भाई अपने साथ सारे के सारे, और बाइक चेक कर लो भाई, ये है अपनी BMW यहाँ खड़ी है, एक Z800 भी यहाँ खड़ी हुई है सामने, बहुत सारी बाइक्स हैं साथ में चलने वाली, अभी और भी राइडर्स का वेट कर रहे हैं, फटाफट राइडर्स आए फिर अपन निकलेंगे यहाँ से, टाइम हो रहा भाई, लेट हो गए बट सही है, 7:30-7:30 हो रहे हैं बट सही टाइम पे पहुँच गया अपन, सब तो ठीक है। ये वाली बाइक चेक करो भाई, बुलेट के ऊपर हैंडल देखो कैसी बना रखे है भाई, क्या सही लग रही है भाई, हार्ली डेविडसन बना रखा है मस्त। अभी भाई बहुत सारे राइडर्स आ चुके हैं, और भी राइडर्स आ रहे हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं सारे के सारे, फटाफट सारे राइडर्स आते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज़ ये हम लोग जिनके साथ अभी जा रहे हैं उनका कैफे है भाई, ऊपर की तरफ जो है ना इनका राइडिंग एरिया है, और नीचे खाने पीने का सीन है, अभी चल रहा हूँ ऊपर फटाफट, देखते क्या सीन है ऊपर। इन्होंने राइडिंग एरिया का बहुत सही सामान रखा हुआ है, एंड सारे एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, मैं इनके साथ पहली बार राइड कर रहा हूँ भाई, और छोटी सी सीढ़ियाँ भाई, हम जैसा कोई फंस जाए, ये चेक करो, हेलमेट चेक करो, हेलमेट भी है मस्त, और यहाँ बढ़िया सा जैकेट वैकेट भी है, ये चेक कर लो भाई, अच्छा है, सही है ये मस्त है, DSG की जैकेट भी बढ़िया है यार, अच्छी लग रही है यार, निकलना बाहर करना थोड़ी सी, सही लग रही है भाई, सही लग रही है मस्त है भाई, सॉर्टेड लग रहा है, बहुत सॉर्टेड लग रहा है भाई, ये देखो हेलमेट भी बढ़िया है। KP आ रहा है, KP टेल करेगा, को टेल करेगा मैं, और लीड कर रहा हूँ मैं, वी आर 3 मार्शल्स, 1, 2, 3, अपने मार्शल हाथ खड़े कर दो और इंट्रोडक्शन दे दो, बाइक्स के नाम बता दो और अपना नाम। 390 ड्यूक,
सब एक साथ बोलो। हिमालयन रेड कलर की जो अलग से दिख रही है, ठीक है। 390 ड्यूक नाम उपेंद्र जो ओके सो गाइस ये लाइन अप आज की हमारी बाइक खड़ी यहाँ पे, मेरे पार्टनर देख लो गाइस 900 वाले और बस अब निकलेंगे यहाँ से। ओके सो गाइस निकल चुके हैं भाई मस्त ग्रुप के साथ, अभी सिंगल फाइल में चल रहे हैं सारे के सारे। और यार ये G900 वाला भाई साहब मेरे जो कान फाड़े हैं ना, मेरे लिटरली जो कान फाड़े हैं ना, लिटरली जो कान फाड़े क्या बताऊं मैं। हम लोग सारे सिंगल फाइल में चल रहे हैं तो मतलब सारे ग्रुप की तरह एकदम जाना है सबको। मैंने तो पहले राइड कर रखे है, जो मेरे साथ आ रखे है ना भाई वो पहली बार ही है उनका, तो उनके लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। बट भाई यहाँ से आएगा मज़ा, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी भाई, कोई आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को, लिटरली अपनी आवाज़ नहीं आ रही है, इतनी तेज़ है SC प्रोजेक्ट में, क्या बताऊँ भाई इतनी तेज़ है SC प्रोजेक्ट, क्या बताऊँ। कोऑर्डिनेशन देखो ग्रुप में, कोऑर्डिनेशन मतलब अभी इतने बढ़िया हैंड साइंस और ये सब आ रहे हैं ना कि कहाँ से कैसे किसको क्या करना है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड एकदम। ये चेक करो ये वाला जो साइन है ना जो तुम्हें आगे दिख रहा होगा जो बंदा कर रहा है, दैट इज़ फॉर गोइंग लेफ्ट, पर अगर राइट वाला होता है तो उसी का ऑपोजिट होगा। बट सारे जो साइंस है सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड से देना है, लेफ्ट वाले हाथ से देना है एक्चुअली, क्योंकि राइट पे एक्सीलेटर होता है तो नहीं करना चाहिए वो सब। तो ठीक है तुम अब चेक करो भाई वेदर चेक करो एक बार, तुम वेदर चेक करो, ये पूरा फॉग नहीं है, ये पूरा का पूरा स्मोक है, पूरा का पूरा स्मोक है भाई, कुछ नहीं दिख रहा। सीन देखो भाई, सीन देखो, कुछ नहीं दिख रहा ऊपर भाई, और ऊपर से ना हवा ठंडी है अभी फिलहाल, आई थिंक होगा 17-18 डिग्री होगा, हवा हल्की ठंडी है, बट भाई पूरा पोल्यूशन है पूरा का पूरा। तो स्पीड अप होने के लिए इशारा दे चुके हैं भाई, ये वाली जीटी चेक करो भाई एक बारी, ये वाली जीटी चेक करो, बहुत ही सुंदर नाडो ग्रे टाइप में लगा रखा है और एकदम मैट फिनिश है, बहुत ही सुंदर कि ठंडी राइड करने पे संडे के दिन मस्त। और भाई टू बी ऑनेस्ट बताओ ना तुम लोगों को, लिटरली मैं ना सोया नहीं हूँ, पूरी रात नहीं सोया हूँ, और इसके बाद भी मेरे को कम से कम दोपहर तक सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ से तो वापस आ जाऊँगा बट उसके बाद फिर भाई वही सीन है, उसके बाद भी मैं सो नहीं पाऊँगा। तो भाई अभी अपन रुके हैं यहाँ पे कहीं बीच में, और भाई लाइनअप चेक करो यार, भाई साहब ये देख लो भाई, इसको देख लो इसकी हिमालयन है, यहाँ एक अपाचे है, यहाँ डोमिनार है, वहाँ पल्सर है, उसके पीछे R15 है, उसके पीछे क्लासिक 350 है। और भाई कलेश मतलब इतनी बाइक्स आ रखी है ना, इतनी बाइक्स, अभी थोड़ा सा प्लीज़ यार माइंड मत करना, पीछे बहुत सारे ट्रक्स और बसेस और ये सब जा रहे हैं। तो भाई ये चेक करो, ये बिल्डिंग जब भी मेरे को मतलब बिल्कुल नहीं दिख रही थी, हल्की थोड़ी सी सही हुई है, और भाई चेक करो बाइक्स, एक ही डोमिनार है अपनी वाली तो वहाँ खड़ी है रानी, और ये देख लो भाई ये देखो, बट शो स्टॉपर वाला कौन सी है, शो स्टॉपर है ये वाली भाई, ये बाइक है शो स्टॉपर भाई। संडे मॉर्निंग एंजॉय करो तुम लोग भी मेरे साथ, ये चेक करो भाई कितना सुंदर बना रखा है सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ से राइट में है, ये देख लो भाई कितना सुंदर है, बट सब कुछ धुंधला दिख रहा है क्योंकि भाई स्मोक ही इतना अमेजिंग भाई। नाइस, पूरी हवा मुंह पे आ रही यार, भाई साहब रेड लाइट पे कलेश कर दिया, कलेश रेड लाइट पे पूरा कलेश है भाई, पूरा कलेश। चेक करो पीछे भी राइडर्स है भाई, पीछे भी राइडर्स है भाई, तुम ये वाली हिमालयन भी चेक करो भाई, ये पूरा रैप करा रखे, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है भाई। और हम लोग आ चुके हैं किसी पुल पे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ये वाला रूट पहली बार ही कर रहा हूँ, नोएडा वाला जो रूट है, बट मस्त इसका एग्जॉस्ट नोट भी अच्छा है भाई ने, बहुत अच्छी कस्टमाइज कर रखी है। ओके भाई साहब इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता है सांस लेने में तक भी प्रॉब्लम हो रही है, क्या ही बताऊँ, बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। और ये जो आगे जो भी साइन दिया, दैट इज़ बिकॉज आगे ऊपर कैमरा है, चलो भाई साहब भी खड़े हुए हैं तो भगाते हैं, चलो थोड़ा सा तेज, भाई साहब इतनी लंबी बिल्डिंग्स है ना, ये पता नहीं कैमरे में आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। अभी थोड़ा सा हमने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है हल्की, अब थोड़ा 90-95 तक भी पहुँचे थे, बट बीच में रील्स भी बन रही है तो भाई अलग ही सीन हो रहा है।
और जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे मौसम थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। बट भाई थोड़ा थोड़ा ही होगा, आसमान तो कुछ नहीं दिखने वाला, लिटरली भाई कुछ नहीं दिखने वाला। कल पूरा दिन इतना पोल्यूशन पोल्यूशन रहा है ना, मतलब तो वो यार वो वाले मास्क लेने पड़ेंगे जो फिल्टर्ड एयर भेजते हैं, वो वाले मास्क पहन के जाना पड़ेगा बाहर। बुरा हाल है, घर पे तो एयर प्योरीफायर है फिर भी ठीक चलता है, बुरा ही सीन है भाई। भाई जो बाइक पावर दे रही है ना, मज़ा आ रहा है यार। ट्रैक मोड पे मैं बहुत टाइम से अभी ट्रैक मोड पे ही चला रहा हूँ, कुछ दिनों से नॉर्मल भी चला रहा हूँ तो ट्रैक मोड पे ही चला रहा हूँ, तो सही है, मज़ा आ रहा है ट्रैक मोड पे चलाने के लिए। ओके सो आई थिंक सो लोकेशन, हाँ लोकेशन हम पहुँच चुके हैं, और ये वाला कैफे मुझे पता है, शायद मैंने देख रखा है, यहीं पर इवेंट है क्या। ओके तो गाइज ये है कैफे जहाँ पर हम आ रखे हैं, और भाई इतनी सारी बाइक्स आने, ये चेक करो यहाँ पे भी कुछ बाइक्स लगी हुई हैं, यहाँ पे भी कुछ बाइक्स लगी हुई हैं, और बेस्ट तो यहाँ पे है भाई, जीनोस में खड़ी हुई है, बाकी बहुत सारी बाइक्स है। ये कैफे का कुछ हाल है भाई, चेक करो। और मेरे लिए सबसे सॉर्टेड चीज़ पता क्या है, ये पूल टेबल, पूल और स्नूकर इतना मिस कर रहा था ना इतने टाइम से, ये चेक करो भाई, सही पूल चल रहा है यहाँ पे मस्त। जी है कैफे, और इसका जितना भी मतलब जो भी हमारा बुफे और ये जितना भी खाना पीना है ना, सब स्पॉन्सर्ड है भैया की तरफ से, आप है आगे तो वो सब स्पॉन्सर्ड है। अब खाते भाई खाना वाना, तुम लोगों को दिखाते क्या मस्त मस्त खाना खाएंगे। बहुत महंगा खाया भाई, बहुत महंगा खाया। इतना महंगा और क्या, इतना महंगा हम खा लेते तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते भाई हम कसम से। अभी हम ये खा रहे हैं, लोग निकल ही रहे थे, बट ये चेक करो भाई, 6R ट्रैक बाइक, प्रॉपर स्लिप टायर के साथ, हाँ एक्रोपोविच का इसमें एग्जॉस्ट है, सीट्स भी चेक कर लो तुम लोग, पूरी ट्रैक बाइक है, अंदर भाई लोग आ रखे हैं, उनकी है बाइक है तो देख लो पूरी भाई, इशूसू बाइक है पूरी, वी क्रॉस पे मस्त एकदम सुंदर सी लग रही है। और ये चेक करो, ये है वैसे रेड लाइन रेसिंग की है बट सही है, ये देखो कर लो सिमरन भाई की बाइक है यहाँ पे रेड लाइन रेसिंग, और ये वो 6R है जो अंदर खड़ी रहती है, भाई थोड़ा सा ना कलेश मच गया यहाँ पे, अंकल लोग थोड़े से गुस्सा हो गए हैं आवाज़ आवाज़ की वजह से, बाइक की वजह से। एक अभी यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, एक AGT और एक ये वाली थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, उसके चक्कर में अंकल लोग आ गए, थोड़ा बौखला से गए थे, पीछे गाँव पड़ते हैं यहाँ पे पीछे, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा अंकल लोग के साथ थोड़ा बीटी हो गया, वो पुलिस कंप्लेंट करने को हो रहे थे, बट कैसे करके भी बातचीत कर रहे भैया लोग वहाँ पे, तो लेट्स सी देखते हैं क्या सीन है। अब निकलेंगे यहाँ से फटाफट, एक बारी मैं भी वो कॉन्टिनेंटल GT चलाऊँगा, उसके बाद से निकलेंगे अपन यहाँ से। गाइस डन विद द फूड एंड एवरीथिंग, अब हम यहाँ से निकलेंगे, बट भाई मज़ा आ गया, मतलब बहुत सही एक्सपीरियंस था, बाइक सभी भी यहीं पर ही खड़ी हुई बहुत सारी, ज़्यादातर हमारे ग्रुप की है, ज़्यादातर क्या हमारी ही ग्रुप की है, बट भाई मज़ा आ गया, बहुत ही सॉर्टेड सीन था, मतलब बहुत साल बाद मैंने इतने ग्रुप इतनी बाइक के साथ, देख लो चेक कर लो, इतनी बाइक के साथ मैंने बहुत साल बाद राइड करी है, मैंने 4-5 साल पहले अम्बाला करा था जब मेरे पास 350 थी क्लासिक, तो मज़ा आ गया भाई, सॉर्टेड सीन है। अब चलते हैं यहाँ से फटाफट, निकलते हैं और फिर रील शूट करते करते जाएंगे सीधा घर, मेरे को घर जाना है, उसके बाद फिर मेरे को निकलना है रोहिणी आगे, तो मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग पे। ओके निकलते हैं बाहर, ठीक है गाइस, बाय 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 बाय, निकलते हैं यहाँ से, बढ़िया नहीं नहीं यार, ड्रॉप नहीं भाई भाई का मस्त रिएक्शन आ रहा है अबे बस कर दे, कितना गड़बड़ का चलाएगा, अबे बैठ जा ओ यार पीछे गाड़ी वाला पागल हो गया
खड़े खड़े होके क्यों चला रहा है। सो थोड़ा सा खुला पैच मिला, अब थोड़ी सी बाइक बनाने का ट्राई करते हैं, मतलब थोड़ा तेज तेज चलते हैं यार, काइंड ऑफ हाइपर राइडिंग करते हैं बढ़िया सी। ओके सो गाइस, GoPro की बैटरी डेड होने वाली है, अब मेरे को नहीं पता कितनी, 2-4% बची होगी। तो गाइस मैं रिकॉर्ड करना बंद करता हूँ, अब मैं मिलूँगा सीधा तुमको घर पे।